टीवी 9 भारतवर्ष, मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। मेरे साथ है सुमेरा, सुरभि, गौरव और निधि। कल का बजट आज एक्सक्लूसिव तौर पर समझने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं खास पेशकश। अब से ठीक 18 घंटे बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश के सामने आम बजट पेश करने वाली हैं। 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए वित्त मंत्री के पिटारे में, डिजिटल पिटारे में क्या होगा? नौकरी पेशा लोगों के लिए क्या टैक्स में छूट की घोषणा होगी? मिडिल क्लास फैमिली को सरकार कैसे देगी राहत? अब गरीबों के खाते में क्या जाएगा, ये बड़ा सवाल। क्या किसानों को मेहनत का फल मिलेगा? स्टार्टअप कंपनीज को क्या सौगात मिलने वाली है? बिल्कुल, इन सभी सवालों के जवाब आज यहां आपको हम देंगे, क्योंकि कल के बजट की 10 बड़ी बातें, 10 ब्रेकिंग न्यूज हम आपके लिए लेकर आए। बिल्कुल, हम आपको कल के बजट का। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। न केवल ट्रेलर बताने वाले हैं बल्कि ये भी बताएंगे कि जो फैसले सरकार लेने वाली है आने वाले साल के लिए, उसकी वजह क्या है, असर क्या होगा। प्रीति के पास चलते हैं सबसे पहले, जिनके पास बजट की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज है। तो निधि, इसी के साथ सबसे पहली ब्रेकिंग अपने व्यूअर्स को हम बताने जा रहे हैं, जिसमें मिडिल क्लास का सबसे पहले जिक्र हम करने जा रहे हैं। मिडिल क्लास के लिए बजट में बड़ा ऐलान मुमकिन होने की संभावना लगातार गहराती नजर आ रही है और इनकम टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव संभव होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये सरकार का महत्वपूर्ण बजट है तब जब 2024 से पहले ये बजट पेश हो रहा है। 2024 में आम चुनाव होना है और कहा जा रहा है कि 5 लाख हो सकती है इनकम टैक्स छूट की सीमा और मौजूदा 2.5 लाख से छूट सीमा है वो बढ़ सकती है। अभी 2.5 लाख से 5 लाख इनकम टैक्स पर 5% टैक्स है। तो गौरव, क्या लग रहा है आपको, इस बार जो मिडिल क्लास है उसे कुछ बेनिफिट होने जा रहा है? क्योंकि हर साल जब भी बजट पेश होता है तो उम्मीद लगती है, लेकिन उम्मीद जब बजट पेश हो जाता है उसके बाद टूट जाती है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप प्रीति, बहुत लंबा इंतजार हो गया है, क्योंकि आपने इनकम टैक्स की बात की है। इनकम टैक्स में जो स्लैब में आखिरी बदलाव हुआ था वो 9 साल पहले हुआ था और अब लोगों को बहुत ज़्यादा, क्योंकि 9 साल के बाद लोगों की आमदनी बढ़ी है, लोगों के टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लोगों को ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, इसलिए वो चाहते हैं कि मोदी सरकार या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब इस बार बजट पेश कर रही हो तो कुछ तो एक रेशनैलिटी हो, क्योंकि 2.5 लाख रुपये तक टैक्स छूट मिलती है, 2.5 लाख रुपये के टैक्स लगना शुरू हो जाता है, 2.5 से 5 लाख रुपए तक अगर आपकी केवल 5 लाख तक आमदनी है तो कोई टैक्स नहीं, लेकिन 5 लाख के अगर 1 रुपए भी आप ऊपर जाते हैं तो 2.5 लाख से टैक्स की गणना शुरू हो जाती है। मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2020 में कहा था कि 8 करोड़ लोगों ने इस देश में टैक्स भरा था और अगर इस देश में रहने वाले लोगों, इस देश की जनसंख्या देखें तो 130 करोड़ से ज़्यादा है। तो वो क्या होगा, वो क्या बाजीगरी होगी, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स के स्लैब में लाया जाए, कैसे लोगों को टैक्स में छूट दी जाए, अब सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं और उम्मीद करते हैं प्रीति कि इस बार वित्त मंत्री जब बजट पेश कर रही होंगी तो इनकम टैक्स में लोगों को मायूसी तो हाथ नहीं लगेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।